जब से वैज्ञानिकों ने हमारे अर्थ के बाहर दूसरे ग्रहों पर रिसर्च चालू किया है, तब से एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि इस पूरे यूनिवर्स में हम इंसान केवल अकेले नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, लाइक एलियंस। एलियंस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में उनको लेकर एक अलग सा कैरेक्टर बन जाता है, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है। बट आज तक किसी के पास भी एलियंस के होने और उनके ना होने का कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं होती रहती हैं जिनको देखकर हमें एलियंस के होने का एहसास होता रहता है। और ऐसी ही एक घटना हुई थी 1978 में ऑस्ट्रेलिया में। एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के दिलों में एलियंस को लेकर डर पैदा कर दिया, जिस घटना ने लोगों को उनके अस्तित्व होने और ना होने पर एक बार फिर से सवाल पैदा कर दिया कि क्या वाकई में एलियंस होते हैं या नहीं। दरअसल 1978 में एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया में हवा में से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। प्लेन के गायब होने से पहले प्लेन में मौजूद पायलट ने जो कहा, दरअसल वो बहुत ही मिस्टीरियस था। उसने कहा कि हम जिस प्लेन में हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, और ठीक 2 सेकंड के बाद उसने ये कहा कि ये केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं। और देन पायलट का संपर्क टूट गया और एयरप्लेन हवा में मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। और ठीक उस घटना के 3 दिन बाद उन्हें आउटर स्पेस से एक सिग्नल आया, बट किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी ये सिग्नल उन्हें आउटर स्पेस से किसने मिला। और ये इंसिडेंट अपने आप में एक मिस्टीरियस बनकर रह गया। आपको क्या लगता है प्लेन हवा में से कैसे गायब हो गया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।